थक गई तू? तेरी मैंने सब कुछ सुन लिया, तू झूठ मत बोल। अब झूठ बोलने में टाइम वेस्ट मत कर, तुझे खुद को शर्म आएगी। अगर तुझे जीजू और मोनिशा के बीच में क्या हो रहा है सब कुछ पता है तो तू क्यों है यहाँ पर, बता ना दी। क्या बताऊं दिया, मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिला मुझे भी। ती ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू यहाँ है तो कोई तो वजह होगी ना। मुझे नहीं पता दिया। दीदर देख, सब जानने के बावजूद तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ना, फिर भी तू यहाँ है। हाँ तो दी ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही टाइम पे हाँ या ना नहीं हो सकता है ना। या तो तू जीजू के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, दोनों में से एक ही होगा ना। इसका जवाब तुझे खुद पता होगा ना। नहीं बोलेगी तू कुछ, लेकिन मुझे तेरा जवाब पता है। ती तू चाहती है आरवी जीजू को, तू पसंद करती है उनको, तू उनके साथ रहना चाहती है। दी तुझे वापस लेना पड़ेगा उस मोनिशा से, अपने पति को वापस लेना पड़ेगा। ऐसे? और क्यों? दिया उन दोनों का जुड़ाव ना मुझसे पहले से है, समझी? तेरे और जीजू का? उन दोनों का जुड़ाव पहले से था, लेकिन तुम दोनों का क्या? दी इधर उधर मत देख, मेरी तरफ देख के बात कर। बता कुछ नहीं तुम दोनों के बीच? मैं कैसे भूलूं? मुझे नहीं पता आरवी मेरे लिए क्या फील करता है। लेकिन तू अपना बता ना, तू पसंद करती है जीजू को? बता, पसंद करती है उनको? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता दी? तूने मना ही नहीं किया, इसका मतलब मुझे तेरा जवाब पता है। दी तू चाहती है आरवी जीजू को, प्यार है वो तेरा, यही है सच। दी प्यार करती हूँ उनसे। तू कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है ना, तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा तूने। ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद आरवी जीजू से जाके ना बात करूंगी। देख दिया तुझे मेरी कसम है, नहीं, नहीं दिया, दिया, तू आरवी के पास नहीं जाएगी, प्लीज प्लीज तुझे मेरी कसम है, तू रुक ले, मैं संभालूंगी सब। पक्का तू करेगी? हाँ पक्का दी। हाँ तूने मुझे कसम दी है ना, अब तू खुद कसम का, तू करेगी। ठीक है मैं करूंगी, आई प्रॉमिस, बट सबसे पहले कॉल करके तुझे बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं दिया प्लीज, अभी मैं खुद उससे बात नहीं करना चाहती प्लीज दिया, अभी अभी नहीं होगा मुझसे।